मध्य प्रदेश में मीसा बंदियों की पेंशन बंद करने को लेकर चल रही अटकलों के बीच कमलनाथ सरकार के मंत्री सज्जन वर्मा ने विवादित बयान दिया है। सीहोर के आश्रम में सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि इमरजेंसी के दौरान चोर उचक्के लुटेरे बदमाश जेल भेजे गए थे और बीजेपी सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा देकर पेंशन दे रही है। ये देश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि उन्होंने ये बात तब भी विधानसभा के अंदर कही थी जब शिवराज सिंह ने मीसा बंदियों को पेंशन देने की घोषणा की थी और आज भी वो अपनी बात पर कायम हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि उनकी सरकार हर हाल में मीसा बंदी पेंशन बंद करेगी और बीजेपी की किसी भी धमकी के आगे झुकने वाले नहीं है। मीसा में कई गुंडे बदमाश हत्यारे लुटेरे बंद हुए हैं, यदि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का दर्जा दिया जाएगा तो ऊपर जो बैठे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनकी आत्मा भी ये सुनकर रोएगी। मैंने उसका विरोध किया, वो भाषण मेरा आज भी छपा हुआ है।